दुकान पे आए हैं, ये विश्वकर्मा ज्वेलर्स है, ये बंद है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आपसे दहशत में है, आपसे फिरौती मांगी गई है, क्या मामला है? जी सर, हमारे पास कॉल आया था फिरौती मांग, 5 लाख रुपए डिमांड किए हैं। 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया है? जी, है कि 5 लाख रुपए हमको 2 दिन के अंदर में दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो ये दुकान अब कब तक बंद रखी है, कितने दिनों से बंद है? दुकान तो सर हमारा 19 तारीख से दुकान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी बढ़रिया के शिवधारी मोड़ पे हूँ। आप सामने देख सकते हैं, ये दुकान है विश्वकर्मा ज्वेलर से बर्तन भंडार, ये दुकान आपको दिख रहा होगा बंद है। ये फ्रंट पे है, बिल्कुल जो बढ़रिया से तरवारा को रोड जाती है उसके फ्रंट पे है, मगर ये वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि उनसे फिरौती मांगी गई है, उसके वजह से वो खौफ में है, दहशत में है, इसके वजह से वो दुकान बंद करके फरार हैं, और दुकान बंद करके वो अभी तक नहीं खुला है, लगभग 2-3 दिनों से बंद है दुकान, और बगल में भी दुकान है और काफ़ी दहशत में है। उनसे हम लोग बात करने की कोशिश किए मगर उनका कॉल नहीं लग रहा था, वो नहीं है यहाँ पे, मगर हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे और कॉल पे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किए वो दुकान बंद करके यहाँ से गायब हैं और क्यों दहशत में है। उनसे बातचीत करेंगे, और इनके पड़ोसी हैं वो भी दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने करेंगे कि आखिर क्या मामला है। तो बने रहिए, उनके रिंग हो रहा है और देखिए उसके बाद से बातचीत करेंगे। जैसे ही कॉल उठता है तो देखिए क्या बातें सामने आ रही हैं निकल कर, तो बने रहिए हमारे साथ। देख, हाँ हेलो नमस्कार, हम दलार न्यूज़ से बोल रहे हैं। जी सर नमस्कार, आपके दुकान पर आए हैं, ये विश्वकर्मा ज्वेलर्स है, ये बंद है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आपसे दहशत में है, आपसे फिरौती मांगी गई है, क्या मामला है? जी सर, हमारे पास कॉल आया था फिरौती मांग, 5 लाख रुपए डिमांड किए। 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया है? जी। क्या फोन पे क्या कहा गया? बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए हमको 2 दिन के अंदर में दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो ये दुकान अब कब तक बंद रखी है, कितने दिनों से बंद है? दुकान तो सर हमारा 19 तारीख से दुकान बंद है। 19 तारीख को हमको कॉल आया था रात को। अच्छा। हमारा 20 तारीख से दुकान बंद है। 19 तारीख से दुकान बंद है, तो आपका घर फिर कैसे चल रहा है? सर हम लोग भागे फिर रहे हैं सर, फिरौती का मांग किया गया है। पुलिस प्रशासन में आपने आवेदन किया? जी, पुलिस प्रशासन में तो आवेदन किया है हमने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं मिला है। क्या बोला जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? बोला वही बोला जा रहा है कि एथिक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी तो कुछ कार्रवाई हुई है, पुलिस से संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से? कार्रवाई सर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर हम संतुष्ट कहाँ से होंगे सर? अच्छा, कार्रवाई ही कुछ नहीं हुआ है। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और कल इनके ऊपर इनका जानलेवा हमला हो सकता है, जान चला जाए तो इसका आखिर कौन जिम्मेवार होगा? पुलिस तो खाना पूर्ति कर देती है, मगर जब धमकी आता है तो उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब पुलिस इसके बारे में बताएगी आखिर क्या उसने कार्रवाई किया है, अभी तक क्या आश्वासन मिला है, मगर जो पीड़ित हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी जी सर। तो ये कब तक दुकान खोलिएगा आप? सर जब तक पहुँच नहीं होगा तो सर हम कैसे खोलेंगे दुकान? तो मतलब दुकान बंद रहेगा फिर? जी जी। तो दुकान बंद रहेगा तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? आपके घर में कौन कौन है? सर हम है और हमारे दो सिस्टर है, मम्मी है। कमाने वाले कितने लोग हैं? सर हम ही सिर्फ कमाने वाले, पापा थे तो 2 साल पहले पापा डेट कर गए। अच्छा। हम ही चलाते हैं दुकान। पापा थे तो डेट कर गए, आप ही सिर्फ कमाते हैं तो घर चलता है। चलिए, क्या कहिए पुलिस प्रशासन तक अगर ये वीडियो जाती है तो क्या मैसेज पहुँचाएगी आप उनको, क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा उनसे? बोला है कि हमको सुरक्षा दिया जाए, दुकान पर गार्ड हमको दिया जाए। अच्छा, आपको सुरक्षा दिया जाए, किस तरह का सुरक्षा चाहिए आपको? दिया जाए। किस तरह का सुरक्षा चाहिए आपको? जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। चलिए, आपका शुभ नाम? शुभ नाम विश्वकर्मा कुमार सोनी होगा। अच्छा, विश्वकर्मा कुमार सोनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ विश्वकर्मा जी थे और इनसे बातचीत हुई और वो तमाम बातें बताई, और देखिए वो पूरी तरह से खौफ में है और कह रहे हैं कि हम खौफ में हैं, अब जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होती है तब तक आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक दुकान बंद रहेगा। बाकी उनसे पड़ोसी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है आपका?
चंद किशोर सा, ये आप ही का दुकान है अंजू ज्वेलर जी? तो आपके दुकान तो बगल में बंद है, क्या कहिएगा? बंद है, उसके ऊपर फिरौती का रकम मांगा गया था, इसलिए बंद कर कर भागा। तो आपका भी तो दुकान बगल में है, आपको डर नहीं लगता है? देखिए डर वाली बात, किसको डर नहीं है, डर सबको है। अब जिसके पास आया वो हटा है, हमारे पास भी आएगा तो हम भी हट सकते हैं। अच्छा, लगातार जो आभूषण व्यापारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या कहिएगा आप? ये तो सरकार का देन है, जैसा सरकार करेगा वैसा यही लोग करेगा। प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया? नहीं, प्रशासन क्या है, जब नेता सब वही है, नेता का पाला हुआ ये लोग है। उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे हैं, पहले अखिलेश सरकार थी, उसके बाद से योगी सरकार थी है, जो प्रशासन अखिलेश के सरकार में था, जो आज योगी के सरकार में है, कैसा है, नहीं चल रहा है वहाँ, कोई परिंदा पर मर रहा है। क्या मैसेज दीजिएगा पुलिस प्रशासन से, खास करके एक आभूषण व्यापारी है उसके नाते? हम पूरे प्रशासन से हम लोग मिल चुके हैं, वो लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे रहे हैं। कल कोई घटना घट जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो प्रशासन ही होगी, चाड़ी वाला नहीं घटा था, पहले उसके यहाँ गोली चला, उसके बाद से वो एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, थाना में आवेदन दिया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद से उसको हाथ जान से हाथ धोना पड़ा, तो प्रशासन का अथी है। चलिए, हमारे साथ बगल के दुकान वाले हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेवार होगी और पुलिस प्रशासन ये मुहैया कराए कि जल्द से जल्द दुकान खुल सके। ये वीडियो में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपका भी अगर कोई सवाल है तो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।